नमस्कार, वक्त इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे अभी तक की अहम खबर से। रक्षा मंत्री अरुण जेटली इन दिनों घाटी के दौरे पर हैं और इस दौरान राज्य की मुख्यमंत्री सीएम महबूबा मुफ्ती से अरुण जेटली ने मुलाकात की और घाटी के मौजूदा हालात पर चर्चा भी की। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा को टाले जाने पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का धन्यवाद करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला है और साथ ही उन्होंने उस टीम का भी धन्यवाद किया जिसने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा को रुकवाने में मदद की। That secret proceedings conducted in darkness are conspiratorial in nature. And denial of counselor access only emphasizes that denial. And therefore it's a great vindication of India's stance. And the entire Indian team at Hague deserves to be congratulated. The External Affairs Minister, Mrs. Sushma Swaraj, who piloted this strategy, Mr. Harish Salve, who effectively argued this matter, deserve a special mention. And I think in the annals of international law, this judgment is a great victory of the rule of law itself. घाटी में अभी भी पत्थरबाजी की घटनाएं देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से अनंतनाग में हिंसक झड़पों के कारण स्कूल व कॉलेज पूरी तरह से बंद रहे, तो वहीं दूसरी तरफ पुलवामा और श्रीनगर में भी हिंसक झड़पें देखने को मिली, जहां छात्रों ने सड़कों पर उतरकर देश विरोधी नारे लगाए और अलगाववादी नेता आसिया इंद्राबी की रिहाई की मांग की। चलिए आपको छोड़ जाते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। JKLF के चेयरमैन यासिन मलिक पर एक निजी चैनल की महिला पत्रकार से बदसलूकी का आरोप लगा है। इन आरोपों पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासिन मलिक ने सफाई दी है। यासिन मलिक का कहना है कि शुक्रवार सुबह एक महिला पत्रकार जबरन उनके कमरे में दाखिल हो गई और उनसे सवाल जवाब करने लगी। उनका यह भी कहना है कि वो महिला पत्रकार अपने आप को किसी चैनल से जुड़े होने का दावा कर रही थी। आपको बता दें कि एक निजी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि कुछ अलगाववादी नेताओं ने बातचीत में यह कबूल किया था कि पाकिस्तान उन्हें कश्मीर में अशांति फैलाने और पत्थरबाजी के लिए पैसे देता है। तो वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की टीम श्रीनगर पहुंच गई है। जांच एजेंसी ने गिलानी और नईम खान तथा तहरीक के हुरियत के गाजी जावेद बाबा के खिलाफ प्राथमिक जांच शुरू की है। आपको बता दें कि नईम खान को टेलीविजन पर एक स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से पैसा लेने की बात कबूलते देखा गया था। भद्रवाह से कंसर गांव की सड़क की खस्ता हालत से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क का काम 2009 में शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक ये सड़क मुकम्मल नहीं हो पाई है। ये पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से इस सड़क से वाहनों का चलना तो दूर, पैदल चलने वाले लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा सड़क की हालत सुधारने की बार बार मांग किए जाने के बावजूद भी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारा जो ये डंडी कंसर रोड है, ये 2009 में शुरू हुआ, 2017 तक इस पे अभी थोड़ा सा काम कहीं कहीं हुआ और कहीं काम नहीं होता है। रोज़ाना आए दिन हम टीवी चैनलों पे देख रहे हैं, खबरों में सुन रहे हैं कि इतने करोड़ रुपए आ गए, इतना करोड़ आ गया। इस रोड पे कोई भी पूछताछ नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ के मकान डैमेज कर दिए इन्होंने, यहाँ के अर्थ कटिंग की है, रोड बिल्कुल नाकारा है, खस्ता है। कभी कभार बीमार होता है तो हम किसी गाड़ी वाले को बोलते हैं कि भाई आप चलो इस डंडी कंसर रोड पे हमारा बीमार लाना है, और वो साफ मना कर देता है, कहता है भाईजान उसको उठा के लाइए कि हम ये गाड़ी नहीं ला सकते वहाँ पे, क्योंकि रोड की बहुत खस्ता हालत है। और कहने में तो रोज़ आते हैं भाई इतने फंड्स आए, इतने फंड्स आए, कोई भी काम इस डंडी कंसर रोड पे नहीं हो रहा है। DDC रामबन मोहम्मद एजाज शुक्रवार को औचक दौरे पर निकले। इस दौरान उन्होंने सरकारी महकमों और अस्पतालों का दौरा किया। मोहम्मद एजाज ने जब सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का दौरा किया तो कई अधिकारी इस दौरान ड्यूटी से गायब थे, या यूं कहें कि वो गैर हाजिर थे। इस दौरान अस्पताल में जो भी डॉक्टर गैर हाजिर था उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया गया, और साथ ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट को मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए।
28 नवंबर से लगातार काम छोड़ो हड़ताल पर बैठे पीडीडी डेली वेजर्स को आज 173 दिन हो गए, लेकिन सरकार और विभाग की तरफ से उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। वहीं जम्मू में पीडीडी डेली वेजर्स ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग करते हुए प्रेस क्लब जम्मू से एक रैली निकाली। मीडिया से बात करते हुए यूनियन के प्रधान सुरजीत खजूरिया ने कहा कि वो पिछले 6 महीनों से जम्मू ज़िले में डीपीसी और रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। पीडीडी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ रैली है, आज तक इस सरकार ने हमारी जो जेन्युइन डिमांड है इसको सुनने की कोशिश भी नहीं की गई है। इस सरकार के डिप्टी सीएम साहब डॉक्टर निर्मल सिंह जी, हमें बहुत उम्मीदें थी कि जम्मू का जो एम्प्लॉई है इसके साथ इंसाफ किया जाएगा, आज ये सरकार टोटल फेल हो चुकी है। हम डिप्टी सीएम साहब से अपील करते हैं, बाहर निकलते हैं कि जो जम्मू में डेली बेस का जो मसला बना हुआ है इसका पर्सनल इंटरवीन किया जाए, जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट किया जाए। अगर हमारी इसमें परिवार सहित हमारा आंदोलन होगा, नहीं तो सड़कों पर होगा, हमारे बच्चे परिवार सड़कों पर होगा, उसमें किसी किस्म का जो नुकसान होता है उसकी तमाम जिम्मेवारी साझा सरकार की होगी। आयोजन किया गया जिसमें इंटर जोनल स्तरीय टूर्नामेंट में अंडर 14 और अंडर 17 योगा और क्रिकेट की प्रतियोगिता भी शामिल है। बता दें कि इस टूर्नामेंट में सरकारी स्कूलों के बच्चों पर खासा ध्यान दिया जा रहा है ताकि हुनरमंद बच्चे अपने भविष्य को सही दिशा दे सकें। जहाँ पे ये इंटर जोनल टूर्नामेंट चल रही है योगा की, क्रिकेट की भी चल रही है, ये स्टार्ट हुई थी 15 से, इसका अंत जो है वो 3 जून को होने जा रहा है। तो योगा का जो मुझे इंचार्ज बनाया, जहाँ पे कन्वीनर बनाया, तो योगा में जहाँ पे 28 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर जोन से 2-2, 3-3 बच्चे आते हैं, मुझे 8 जोन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। होने वाले एथलेटिक्स होने वाली है, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, रेसलिंग, ये टेनिस बॉल, क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट की भी अंडर 14-17। नौजवान युवकों को नशे की लत से बचाने के लिए बारामुल्ला में सरकार की तरफ से अहम कदम उठाए गए, जिसमें करीब 700 कनाल अफीम की फसल को तबाह कर दिया गया। बारामुल्ला के विभिन्न जगहों पर अफीम की खेती की जाती है, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से खत्म कर दिया गया। बता दें कि इससे पहले भी सरकार ने ऐसे अभियान चलाए थे जिसमें स्थानीय लोगों ने अफीम की फसल को खत्म करने के लिए मदद मांगी थी। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से ये खबर आ रही थी कि नौजवान युवक अफीम का नशा करते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस ओर कदम उठाया। सरहद के पास गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी के बारे में जानने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसका नाम है अनुभूति 2017। ये कार्यक्रम 10 जून से 17 जून तक चलेगा, जिसमें कुछ छात्र बॉर्डर एरिया में जाकर वहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी के बारे में विश्लेषण करेंगे। और इस मौके पर ABVP ने पोस्टर और अपनी ऑनलाइन वेबसाइट भी जारी की है। तो हम इस वर्ष भी अपने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उन रीजन्स में भेजेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उन सबको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर पाएं, उन सबको प्रत्यक्ष रूप से फील कर पाएं और उसके बाद वो अपने जीवन में उन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़े, ऐसा अपना एक पूरा प्रोग्राम जो है वो डिजाइन हो रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेषकर उस प्रोग्राम के पोस्टर रिलीज को लेकर है और साथ ही अपना एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की स्थिति पर चिंता जताते हुए नेशनल यूथ कांग्रेस ने जम्मू में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रधान प्रणब सगोत्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार राज्य में विफल रही है। पिछले 3 साल में कई बार पाकिस्तान द्वारा बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, जो कि साफ दर्शाता है कि केंद्र में मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी रही है। उन्होंने राज्य में मौजूदा सरकार को बर्खास्त कर राज्यपाल शासन लगाने की मांग की है। प्रोटेस्ट यूथ कांग्रेस द्वारा यहां रखा गया, इस प्रोटेस्ट का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि जिस प्रकार सीज फायर वायलेशन इस सरकार के अंदर हुई है, इस प्रकार की सीज फायर वायलेशन जो है वो जब भी पिछली सरकारें रही 60 साल 65 साल तब तक कभी इतनी सीज फायर वायलेशन नहीं हुई। आज आप कश्मीर में देखिए किस प्रकार से फौज के साथ हालात किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये सरकार फौज को फ्री हैंड दे ताकि जो लोग इस देश के साथ, भारत देश के साथ टक्कर लेने की कोशिश करें उसका नक्शा पूरी दुनिया के अंदर से मिट जाए। जून में शुरू होने वाली बुड्ढा अमरनाथ यात्रा, जो कि पुंछ के मंडी में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में आकर संपन्न होती है, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा से लेकर बाकी अन्य सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की गई।
और साथ ही स्थानीय लोगों से इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अपील भी की गई। बता दें कि ये बैठक जिला विकास आयुक्त के नेतृत्व में हुई, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। घाटी के नौजवान युवकों और बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के लिए हर साल की तरह इस साल भी पुंछ में शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब की तरफ से वॉलीबॉल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 40 बच्चों ने हिस्सा लिया और ये कैंप 15 दिनों तक चलेगा। इस मौके पर क्लब के चेयरमैन मोहम्मद तारिक का कहना है कि बच्चों को नशे और बुरी आदतों से दूर रखने के लिए खेल कूद के आयोजन होते रहने चाहिए, ताकि किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। ये शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब जो है वो हमेशा से ही उसकी एक कोशिश रही है कि जो हमारा जो यूथ है उसको कोई एक डगर नहीं दी जाए, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं उसको आप अपने सामने रखें कि हमारे मैक्सिमम यूथ जो है वो ड्रग की तरफ जा रहा है। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि कोशिश रखी है कि हम अपना यूथ जो है उसको हम कैसे बचाएँ, उसका जो हमारा सरमाया वही है। तो उस सिलसिले में शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब पुंछ जो है वो एक कैंप जो है हमने ऑर्गेनाइज़ किया। ये 15 दिन का फिलहाल हमारा कैंप है और इसमें कुल मिला के हमने 40 बच्चे जो हैं वो रखे हैं पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट से, और बिल्कुल बडिंग, ये नहीं कि जो बच्चे पहले खेल रहे हैं उन्हें, ये बिल्कुल बडिंग जिनको हमने वॉलीबॉल जो है ABC जो है उसकी सिखानी है। तो उम्मीद रखते हैं कि इन बच्चों का जो टैलेंट है उसको हम पूरा उभारने की। सैनिक स्कूल नगरोटा एक्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन कश्मीर में शहीद हुए उमर फयाज को श्रद्धांजलि देने के लिए शनिवार को बलिदान स्तंभ में इकट्ठा होंगे, इसमें अन्य लोग भी हिस्सा लेंगे। इसी सिलसिले में उन्होंने जम्मू के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जम्मू के लोगों से इस मौके पर बड़ी तादाद में शामिल होने की अपील की। टू ऑनर एंड पे होमेज टू लेफ्टिनेंट उमर फयाज, जो पिछले हफ्ते कुलगांव में मार्टियर हो गए एक अपने कज़न की मैरिज में। हम ये कैंडल लाइट विजिल बलिदान स्तंभ में 20 मई 2017 को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 6 से 8। आपके माध्यम से हम सिविल सोसाइटी पूरे जम्मू हाइट्स को ये अपील करते हैं कि बड़ी तादाद में आके इस प्रोग्राम को, इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाएँ और अपनी जो सॉलिडारिटी है शो करें मार्टियर्स के साथ, उनके परिवार वालों के साथ। इसके साथ ही हम जो पाकिस्तानी इंट्रूडर्स द्वारा प्रेम सागर और परमजीत सिंह जी को भी श्रद्धांजलि देंगे, और जो भी मार्टियर हैं, जो चाहे वो आर्म फोर्सेस के हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, नेक्सस उनको श्रद्धांजलि देगा। काजीकुंड के मलिकाबाद में स्थानीय लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। दरअसल 5 साल पहले सरकार ने इलाके में एक कुआं बनवाया था, जिसका पानी स्थानीय लोग इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन कुछ दिनों से इस पानी के जहरीला होने की शिकायत के कारण प्रशासन ने अब इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन जल्द से जल्द पानी की कोई और सुविधा मुहैया कराए, ताकि लोगों को पानी की किल्लत से जूझना ना पड़े। मैं शेख में केवा का रहने वाला हूं। और जो ये हमारी वाटर सप्लाई स्कीम है, ये गवर्नमेंट ने हमें दे दी है, हमें तो बहुत फायदा मिला था इसमें, लेकिन आज PHE वालों का ये कहना है कि इसमें जहर है, ये जहरीला पानी निकला है। और अगर ये जहरीला पानी निकला है, ये पता नहीं है आज ये जहरीला पानी निकला या कि पहले से ही था, लेकिन बदकिस्मती से आज हमने ये सुना कि ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड नाइदर इट इज सूटेबल फॉर ह्यूमन बीइंग। सो आई एम रिक्वेस्ट टू हायर अथॉरिटी, प्लीज take any step and take any other arrangement, we cannot get this water properly. जम्मू के SMGS अस्पताल की खस्ता हालत पर चिंता जताते हुए पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी के कार्यकर्ता नीरज गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री वाली भगत SMGS अस्पताल में पूरी तरह से विफल रहे हैं। अस्पताल में मरीजों को मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से अस्पताल की हालत सुधारने की मांग के साथ साथ अस्पताल में आम लोगों को एम्बुलेंस और ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग की है। वहाँ पर स्वच्छता के नाम पर जीरो है। हमारी जो पुरजोर मांग है कि एक तो एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाए आम लोगों को, और ब्लड जो है वो भी आम लोगों को प्रोवाइड किया जाए, ताकि मूल सुविधा से जो है लोग वंचित ना रहे, और जो पर्ची जो 5 रुपए की काट रहे हैं उसको जल्द से जल्द इमीडिएटली बंद की जाए, ताकि आम लोग जो है वो आराम से वहां पर जा सके। थैंक यू वेरी मच।
श्रीनगर के एक निजी होटल में एनजीओ सेव चिल्ड्रन की तरफ से मीडिया के साथ एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों के साथ साथ एनजीओ के ऑर्गेनाइजर्स भी मौजूद थे। इस वर्कशॉप में पत्रकारों और एनजीओ के ऑर्गेनाइजर्स के बीच रियासत में बच्चों के साथ हो रहे अत्याचार को कम करने और बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया करवाने पर काफ़ी देर तक चर्चा की गई। आज हमारा जो मीडिया, जितना भी मीडिया यहाँ का लोकल मीडिया, श्रीनगर का मीडिया है, उनके साथ चिल्ड्रंस के इश्यूज़ को लेकर डिस्कशन था, अंडरस्टैंड करना था कि चिल्ड्रंस का क्या क्या इश्यूज़ है, उसका क्या क्या सोल्यूशन है और मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है। तो उसमें काफ़ी इश्यूज निकल के आए हैं। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रंस का ड्रग्स का इश्यूज़ अगर हम बात करें, चिल्ड्रंस का एब्यूज़ का इश्यूज़, पॉक्सो का इश्यूज़ और ख़ासकर क्वालिटी एजुकेशन को लेके काफ़ी इश्यूज़ हाईलाइट किए हुए, जिसके प्लान ऑफ एक्शन या आगे कैसे काम किया जाए उसके ऊपर डिस्कशन हुआ और मीडिया इसको पॉजिटिवली एप्रिशिएटिवली किस तरह से रोल प्ले कर सकता है।